हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सनस्क्रीन के बारे में कि आपको इस गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन और फेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। तो वीडियो के आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ली, आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेट मिल जाए। वीडियो की शुरुआत हम ये जानने से करते हैं कि इस धूप से हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट है। जब हम यूवी रेडिएशन के कनेक्शन में लंबे समय तक होते हैं तो हमारी स्किन को सनबर्न भी हो सकता है। सबको पता है सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल होता है। तो दूसरी तरफ सनलाइट का हाई एक्सपोजर हमारी स्किन और फेस को डैमेज कर देता है। लाइक जब हम यूवी रेडिएशन के कनेक्शन में लंबे समय तक होते हैं तो हमारी स्किन को सनबर्न भी हो सकता है। सनस्क्रीन दो तरह की होती है, एक होती है केमिकल, दूसरी होती है मिनरल, जो कि आयुर्वेदिक तरीकों से बनी होती है। जो सनस्क्रीन केमिकल से बनी होती है वो हमारी स्किन पर यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर देती है और हीट में कन्वर्ट कर देती है। तो दूसरी तरफ मिनरल सनस्क्रीन यूवी लाइट को हमारी स्किन पर इफेक्ट करती है, जिससे हमारी स्किन गर्म नहीं होती। आपको 4 से 5 घंटे तक सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सकती है। अकॉर्डिंग टू मामा अर्थ, ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर बनाए रखती है। ये नेचुरल इंग्रीडियंट से बनी होती है जो आपकी स्किन को टैनिंग होने से बचाती है, और इसमें ऑरेंज ऑयल है जो आपकी स्किन को ऑयली नहीं होने देती। तो मेरे को तो मामा अर्थ अल्ट्रा सनस्क्रीन बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये क्रीम चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने इस क्रीम को यूज किया है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपके रिव्यू और भी लोग जान सके, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।